मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पूरा सम्मान होना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं। कि हुड्डा साहब ने जो भेदभाव करके इनको जो है गीता को तो इंस्पेक्टर लगाया और बबीता को सब इंस्पेक्टर लगाया। आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता। गीता थी जो पहली महिला थी जो इसने कई जो अपने रिकॉर्ड बनाए, तो उस टाइम गीता को क्यों नहीं जो हुड्डा साहब ने जो राज्यसभा में भेजा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पूरा सम्मान होना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं। जो तो उसके साथ जाती हूँ तो गोल्ड मेडल की पक्की वाली थी, पक्का गोल्ड मेडल ले आती है। इतना उसमें वो हौसला था और बहुत अच्छी वो थी। और ये क्या कारण हुआ इसकी भी जांच करवानी चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। सर अगर आप होते उनकी जगह पे तो क्या आपकी तरफ से क्या सम्मान को दिया जाता सर? आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। जो उन्होंने संन्यास लिया सर उसको लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि मैं हार गई कुश्ती जीत गई। मायूस है ना, वो जीती हुई थी भाई वो, और यही इसी बात की जांच मांग रहे हैं। देखिए जो 2005 में और 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उस टाइम जो है बबीता ने जो है सिल्वर मेडल लिया था और गीता ने गोल्ड मेडल लिया था। जो पहली रेसलर थी जो हिंदुस्तान की जिसने जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद में जो 2024 में 2012 में जो पहली महिला रेसलर थी जो गीता जो है ओलंपिक क्वालिफाई किया रेसलिंग में। जब हुड्डा की सरकार थी जब उस टाइम जो है जो DSP लगनी थी जो खेल नीति बनाई थी उसने, तो उस टाइम गीता और बबीता दोनों DSP लगनी थी। लेकिन हुड्डा साहब ने जो भेदभाव करके इनको जो है गीता को तो इंस्पेक्टर लगाया और बबीता को सब इंस्पेक्टर लगाया। जबकि वह कोर्ट के थ्रू मैंने केस डाला और केस से जो है वो DSP का पद के ऊपर जो है कोर्ट ने जो है उसको उस पर संज्ञान लिया। तो आज जो हुड्डा साहब कहते हैं जो उसमें जो भेजना चाहिए तो वो कुछ दूर नहीं, जो हुड्डा सरकार में जो गीता थी जो पहली महिला थी जो इसने जो कई जो अपने रिकॉर्ड बनाए, तो उस टाइम गीता को क्यों नहीं जो हुड्डा साहब ने जो राज्यसभा में भेजा। इसकी तो पूरी जो सरकार थी। क्या आपको लगता है कि राजनीति स्टंट है? बिल्कुल राजनीति स्टैंड है। जब आज सरकार होती है तो कोई नहीं लगाता, ना करता ना हुड्डा की सरकार रही थी उस टाइम, ना गीता लगाई ने ना भेजी ने ना उस टाइम जो है गीता को जो है चर्चा में थी खूब। उस टाइम इसने जो राज्यसभा में भेजनी थी गीता को, इसने जो DSP तक नहीं बनाया जो कोर्ट से आई है। तो आप आज हुड्डा साहब ये कैसे कह रहे हैं?